राजस्थान सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने के उद्देश्य से बीजेपी प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी के तहत उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल द्वारा कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन मंत्रियों के मुखौटे लगाए गए जिन्होंने सरकार के मंत्रिमंडल में रहते हुए ही अपनी सरकार के विरोध में बातें कही है या फिर कुछ ऐसे कमेंट किए हैं जो अशोभनीय रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुखौटे लगाकर उदयपुर की सड़कों पर इन्हें घुमाया गया। इनके सामने जोरदार नारेबाजी कर कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के मंत्रिमंडल की नीयत को सामने लाने के लिए ये एक बेहतरीन तरीका है। उसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो सरकार में रहते हुए भी ऐसे कमेंट दिए हैं जो किसी को शोभा नहीं देते। यही नहीं, वो मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सरकार का विरोध किया है और मुख्यमंत्री जो इन सब बातों का मौन धारण कर देख रहे हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। क्या है कि इन सब लोगों ने इस बार राजस्थान के लोकतंत्र को जितना गिराया है वो शायद मैंने अपने 40 साल की राजनीति में नहीं देखा। अशोक गहलोत जिस तरह से मौन धारण करके बैठा है कि इनका मंत्री चाहे जो बकवास कर रहे हैं, चाहे जिस प्रकार के उठपुटांग स्टेटमेंट दे रहे हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, न उनको रोकने की स्थिति में है। और हमारे स्पीकर साहब को जब सारे MLA ने अपनी तरफ से त्यागपत्र दे दिया लिख करके, हमारे विधान में ये व्यवस्था है कि कोई इच्छा भी जाहिर करता है तो भी त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। इच्छा के बजाय उन्होंने सबने लिख करके अपने दस्तखत करके दिए, ना कोई कंडीशन लगाई, सीधा का सीधा एक तरह से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। तो जो मंत्री आज की तारीख में जो काम कर रहा है, जो विभिन्न बोर्डों में लगे हुए हैं, वो नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इसी कारण से हाईकोर्ट में ही इनको नोटिस भेजा है। तो एक तरह से ये जो सारे नमूने आपने जिनको पेश किए हैं इनके एक्टिविटीज से, शांति धारीवाल कहता है कि हमारे यहाँ बलात्कार इसलिए ज़्यादा होता है कि क्योंकि राजस्थान मर्दों का देश है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा राजस्थान का अपमान और कोई नहीं होता। राजस्थान के मर्दों ने धरती के लिए, धर्म के लिए तो गर्दन कटाई है, ऐसे गंदे कामों के लिए मर्दान की नहीं बताई कभी। तुम उनकी तुलना उनसे कर रहे हो जो निकृष्ट कृत्य करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे नमूने वही हैं लगभग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या जिन्होंने अपनी सरकार के बारे में उठपटांग अशोक चांदना जी कुछ बोला। तो इन सारे को आपने जो ये दिखाया है और ये जो जन आक्रोश रैली है वो आप सब लोगों के कर्मों के कारण से हमको जन आक्रोश रैली